एपिसोड 113 और क्या हालचाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा जान वगैरह था ना, मतलब कि यहाँ पर जितने भी बंदे आए हुए थे ना, सभी के सभी बंदों को एवरेज से कुछ बंदे आए हुए थे वो गिर गिर कर मार रहे थे। इसलिए यहाँ पर यूकी चलती है तो सभी को थंडर पॉन्ड के अंदर जाने की कह देती है और सभी के सभी बंदे उसी दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। और अब सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें अगले दिन का सीन बताया जाता है जहाँ पर हमारा जान अपने ग्रुप को लेकर थंडर पॉन्ड की ओर जा रहा होता है। अब जान रास्ते में जा ही रहा होता है, तभी हमारा जान महसूस करता है कि भाई आसपास कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं जो एबल रेस है ना उसका कोई खास प्लान हो। अब भाई साहब हमारे जान का ग्रुप आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी हमारी जान को स्पाइडरली, फेन यू, मूगे, वो, जूमी, लेन हानियान, बाईलान, मतलब की बहुत से बंदे मिल जाती है। रास्ते में चलते समय हमारे जान चलता है तो सभी का ग्रुप बना लेता है और आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे ही हमारे जान सभी को देखता है ना, और खासकर स्पाइडरली, मूगे वगैरह यूकी को सही सलामत देखते हैं, तो वो राहत की सांस लेते हैं कि चलो यूकी जिंदा है, इसका मतलब हमारे निकलने का कुछ चांसेस हैं। क्योंकि यहाँ पर जितने भी बंदे थे ना, सबसे ज्यादा यूकी ही पावरफुल थी। हालांकि वो बात अलग है कि वो मरते मरते बची है एक बंदे से और हमारे जान उसे बचा कर लाया है, ये सारी बातें इन लोगों को पता नहीं थी। इसलिए यहाँ पर जब ये देखते हैं कि यूकी एकदम सही सलामत है तो वो राहत की सांस लेने लगते हैं कि चलो जिंदा बचने के कुछ चांसेस हैं। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है, जान चलता है तो जैसे ही यहाँ पर वो बहुत सारे स्टूडेंटों को एकत्रित होता हुआ देखता है ना, तो वो भी खुश हो जाता है कि चलो अब शायद उन एबल रेस के बंदों से लड़ा जा सकता है। क्योंकि हमारी जान को जो वांग जोंग था ना, उससे लड़ते समय अनुभव हो गया था कि शायद वांग जोंग अपनी रियल पावर का इस्तेमाल तो कर ही नहीं रहा था। इसलिए जब हमारे जान ये देखता है कि बहुत सारे स्टूडेंट आ गए हैं और साथ मिलकर सारे एबल रेस के बंदों से लड़ा जा सकता है, तो हमारे जान थोड़ा सा खुश हो जाता है। अब जान चलता है तो यहाँ पर सभी को थोड़ी थोड़ी होली फ्लेम दे देता है, ताकि जितने भी बंदे हैं ना यहाँ पर स्टूडेंट वगैरह है ना, वो एबल रेस के कंट्रोल में न जा सके। क्योंकि जान जानता है कि अगर किसी भी बंदे को एबल रेस के कंट्रोल से बाहर लेना है ना, तो होली फ्लेम की आवश्यकता पड़ेगी। और अगर इन लोगों के पास पहले से ही होली फ्लेम होगी ना, तो शायद एबल रेस के बंदे इन्हें कंट्रोल ना कर पाए और ये आसानी से जो थंडर पॉन्ट है ना वहाँ पर एंट्री ले सके। अब जान चलता है तो यहाँ पर सभी को समझाने के बाद कि हमें थंडर पॉन्ट में जाना ही पड़ेगा, वरना हम शायद यहाँ पर जिंदा भी नहीं बचेंगे, ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। अब जैसे ही आगे बढ़ते हैं ना, तो सीन शिफ्ट होता है और पर हमें एवरेस्ट के कुछ बंदों को बताया जाता है। इनमें से एक बंदा था वांग जोंग, ये बंदा चलता है तो एक फॉर्मेशन बनाकर तैयार रख लेता है, आने दो अब मैं सबको देख डालूंगा। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और पर हमें जो थंडर पॉन्ट है ना उसके अंदर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर एक ड्रैगन टाइप का कुछ बैठा हुआ था। अब ये महसूस करता है और पर कहने लगता है कि यहाँ पर एवरेस्ट रिस्क के बंदे क्या कर रहे हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से हमारे जान को बताया जाता है। जान चलता है तो अपने ग्रुप के साथ आगे बढ़ी रहा होता है, तभी जो थंडर पॉन्ट था ना वहाँ पर हमारे जान पहुँच जाता है। अब जैसे यहाँ पर हमारे जान पहुँचता है ना, तो यहाँ पर सिर्फ एक तालाब सा था और कुछ भी नहीं था। हमारे जान हैरान हो जाता है कि भला वो यहाँ से थंडर पॉन्ट के अंदर कैसे जाएगा। अब इतने में हमें क्यू फे को बताया जाता है, क्यू फे के फादर ने बोला जाए तो थंडर सेक्ट के लीडर ने कहा था कि जो थंडर पॉन्ट है ना वहीं से तुम्हें थंडर पॉन्ट के अंदर जाना है, लेकिन क्यू फे को पता नहीं था कि थंडर पॉन्ट के अंदर कैसे एंट्री लेना है। इसलिए क्यू फे हैरान हो रही होती है कि आखिर वो करे क्या। इतने में हमें वहाँ के लोगों को भी बताया जाता है, जो कि परेशान हो रहे होते हैं कि वैसे भी हमारे पीछे एवेंजर्स के लोग पड़े हुए हैं और हम थंडर पॉन्ट के अंदर भी नहीं जा पा रहे हैं, पता नहीं वो कहाँ पर है। अब भाई साहब परेशान हो रहे होते हैं, तभी यहाँ पर जो वांग जोंग था ना वो प्रकट होता है। अब जैसे ही वांग जोंग प्रकट होता है ना, तो पहले तो वो एकदम हमारे जान को देख कर कहने लगता है कि सरप्राइज मैं आ चुका हूँ। अब जब हमारे जान वांग जोंग को ऐसा कहते हुए दिखता है ना, वो भी मुस्कुराते हुए, तो हमारे जान के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। क्योंकि हमारे जान जानता है कि जो वांग जोंग है ना ये बहुत ही ज्यादा घमंडी है, इसलिए पक्का अकेला ही यहाँ पर आएगा, इसलिए हमारे जान भी पहले से ही तैयार था। अब इतने में वांग जोंग को बताया जाता है, जो कि हमारे जान से कहने लगता है कि मिस्टीरियस होली फ्लेम मास्टर, आज मैं तुमको खत्म कर डालूंगा और तुम्हारी होली फ्लेम ले जाकर अपने युवराज को गिफ्ट कर दूंगा। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर वांग जोंग कहता है ना, तो हमारे जान भी हमें सिर हिला देता है। अब इतने में वांग जोंग चलता है तो अटैक करने की तैयारी कर ही रहा होता है, तभी हमारे जान चलता है तो वांग जोंग से कहने लगता है कि रुको रुको रुको, इतनी जल्दी भी क्या है, अगली बार मैं अकेला था लेकिन मेरे साथ अभी 1000 बंदे हैं, तो क्या तुम मुझसे फाइट कर पाओगे। अब जैसे ही वांग जोंग यहाँ पर जान की बात सुनता है ना, तो वांग जोंग चलता है तो तुरंत हाथों की सील बदलता है और सील बदलते ही यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट प्रकट हो जाते हैं। अब जैसे ही स्टूडेंट प्रकट होते हैं ना, तो वांग जोंग मुस्कुराने लगता है और कहने लगता है कि मतलब कि एक बार और कहने लगता है कि सरप्राइज आपके लाने मेरी सेना तैयार है। अब जैसे ही वांग जोंग यहाँ पर कहता है ना, तो हमारे जान आसपास के लोगों को देखता है ना, जो कि वांग जोंग के आसपास ठहरे हुए थे, तो हमारे जान समझ जाता है कि ये तो सब उनके ही लोग हैं, तो भला इन लोगों पर वो कैसे अटैक कर सकते।
सकती हैं। लेकिन जो वांग जोंग की साइड स्टूडेंट ठहरे हुए थे ना, ये सारे के सारे स्टूडेंट वांग जोंग के कंट्रोल में थे। इसलिए अगर वांग जोंग ने कहा कि सभी को खत्म कर दो तो हमारी जान की साइड के स्टूडेंटों को जो वांग जोंग के स्टूडेंट थे ना वो छोड़ेंगे नहीं। इसलिए हमारी जान समझ जाता है कि वांग जोंग के जितने भी स्टूडेंट है ना सभी को या तो फिर मारना पड़ेगा या फिर इन्हें जो भी वांग जोंग ने अपने वश में कर रखा है ना इस वश में से बाहर निकालना पड़ेगा, तभी शायद वो यहाँ पर इस फाइट को जीत पाएगा। अब हमारे जाने ये सोच ही रहा होता है तभी सामने वाला बंदा वांग जोंग चलता है तो सभी को लड़ाने लगता है, बोला जाए तो हमला करने की कह देता है। अब जैसे ही वांग जोंग करता है ना तो वांग जोंग ने जितने भी बंदों को कंट्रोल किया था ना सभी के सभी बंदे जो हमारी जान की और स्टूडेंट थे ना उन पर हमला करने लगते हैं। हमारा जान भी समझ जाता है कि अब उसे भी लड़ना ही पड़ेगा। जान चलता है तो वो तेजी से आगे बढ़ने लगता है। अब जान आगे बढ़ रहा होता है तभी जो कीफे है ना वो एक लड़की को बुलाती है और ये लड़की मेरे ख्याल से यूंकी होगी और यूंकी को एक टोकन देती है और कहती है कि यहाँ पर अंदर पॉइंट ढूंढो जल्दी से वरना हम सब मारे जाएंगे। कीफे चलती है तो जान बगीरा की मदद करने के लिए चली जाती है आगे। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमारी जान को बताया जाता है जिसके सामने वांग जोंग खड़ा हुआ था। हालांकि हमारी जान के साथ लुई किंग और मुगे भी खड़ा हुआ था। अब हमारे जान लुई किंग और मुगे चलते हैं तो वांग जोंग से लड़ने लगते हैं लगे तिरी। लेकिन हमारे जान चलता है तो मुगे से कहता है कि इसे कुछ समय के लिए संभालो, मैं इसे देखता हूँ। अब जैसे ही मुगे हमारी जान की बात सुनता है ना तो वो समझ जाता है कि शायद जान कोई फॉर्मेशन बनाना चाहता है, इसलिए मुगे चलता है और साथ ही साथ लुई किंग चलती है तो वांग जोंग को संभालने लगती है। हमारे जान चलता है तो दूसरी साइड फॉर्मेशन बनाने लगता है। अब इतने में हमें वांग जोंग मुगे और साथ ही साथ लुई किंग की फाइट को बताया जाता है। वांग जोंग चलता है तो वो मुगे और लुई किंग को पीटने लगता है। अब लुई किंग चलता है, बोला जाए तो लुई किंग एक लड़की है ठीक है ना। मुगे चलता है तो भी एक थंडर अटैक बनाता है और वांग जोंग की ओर शूट कर देता है। लेकिन वांग जोंग चलता है तो पलक झपकती मुगे के अटैक को डिसॉल्व कर देता है और इसमें एक मुक्का जड़ देता है जिस वजह से मुगे पीछे फेंकता हुआ चला जाता है और बुलेट की उल्टियां करने लगता है। अब इतने में मुगे चलता है तो जान की ओर देखने लगता है कि और कितना समय। हमारे जान चलता है तो मुगे की ओर देखता है और कहने लगता है कि अब चिल रखो, एकदम फॉर्मेशन बन चुका है, लाल के लिए तुम और लोगों को संभालो ताकि हम यहाँ से निकल सके। मुगे भी जान की बात समझ जाता है इसलिए अब मुगे चलता है तो वो पीछे हट जाता है। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है जो कि एक फॉर्मेशन बना चुका था और इस फॉर्मेशन का नाम था परगेटरी फॉर्मेशन। अब जैसे ये फॉर्मेशन बनता है ना तो ये वांग जोंग को चारों तरफ से घेर लेता है। अब जैसे ही वांग जोंग गिरता है ना चारों तरफ से तो वांग जोंग महसूस करने लगता है कि मानो उसकी थोड़ी सी शक्तियां सप्रेस हो गई हो। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है जो कि फॉर्मेशन बनाने के बाद थोड़ा सा थका थका सा महसूस कर रहा था, लेकिन हमारे जान महसूस करने लगता है कि मानो उसकी थोड़ी सी शक्तियां बढ़ चुकी हैं। अब जैसे ही हमारे जान इस फॉर्मेशन को तैयार करता है ना और वांग जोंग को घेरता है ना तो जो लुई किंग है ना उससे हमारे जान कहने लगता है कि जैसे ही मैं इस पर हमला करूँ ना तो तुम इसकी शक्तियों को सप्रेस करने में मेरी मदद करना। लुई किंग भी समझ जाती है। अब जान चलता है तो अपने फॉर्मेशन से एक ड्रैगन बाहर निकालता है जो कि फायर का बना हुआ होता है और इस ड्रैगन की लंबाई बोला जाए तो एक ड्रैगन लगभग 900 फुट के बराबर होता है। अब जैसे ये ड्रैगन इस फॉर्मेशन से बाहर निकालता है ना तो ये सीधा वांग जोंग की ओर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। अब जब वांग जोंग ये देखता है कि ड्रैगन उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे आ रहा है तो वांग जोंग चलता है तो यहाँ पर अपने शरीर से पावरफुल शक्तियों को निकालता है, बोला जाए तो हरे कलर का धुआं टाइप का कुछ निकालता है। अब जैसे ये धुआं निकलता है ना तो आसमान में 1000 फुट बड़ा धुएं का गुब्बारा बन जाता है। अब इतने में ये धुएं के गुब्बारे से एक 1000 फुट बड़ी तलवार निकलकर बाहर आती है और हमारी जान की ओर आगे बढ़ने लगती है। अब जब हमारे जान इस तलवार को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना तो जान चलता है तो इस तलवार की ओर हमारी जान का जो ड्रैगन है ना उसे शूट कर देता है। इतने में हमारे जान देखता है कि जो वांग जोंग के शरीर से धुआं निकला था ना जो आसमान में 1000 फुट बड़ा गुब्बारा बना रहा था उस गुब्बारे से एक आंख बनने लगती है जो कि हरे कलर की होती है और ये आंख भी चलती है तो ये भी हमारी जान की ओर आगे आने लगती है। अब जब हमारे जान ये देखता है कि एक साथ दो दो अटैक आ रहे हैं लेकिन जो आंख वाला अटैक है ना वो पीछे है, जान समझ जाता है कि शायद ये आंख वाला अटैक है ना यही शायद किसी को कंट्रोल करता है। इसलिए हमारा जान आंख वाले अटैक पर ज्यादा ध्यान नहीं देता बल्कि अपनी होली फ्लेम को फुल पावर पर रिलीज करने लगता है। पहले तो हमारा जान चलता है तो जो तलवार है ना अपने ड्रैगन से उसे नष्ट कर देता है, फिर इसके बाद हमारा जान चलता है तो अपनी होली पावर को पूरी फुल स्ट्रेंथ पर रिलीज करता है और जो सामने आंख बनी थी ना हरे कलर की धुआं से उसकी ऊपर अब अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। अब जब यहाँ पर वांग जोंग ये दिखता है कि जान उल्टा उसकी आंख की ओर ही आगे बढ़ रहा है तो वांग जोंग के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है कि चलो अब जब मछली स्वयं जाल में फंसने आ रही है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है, जान चलता है तो पूरी तरीके से अपनी होली फ्लेम को रिलीज करता है, साथ ही साथ होली फ्लेम का क्रिस्टल भी निकालता है और तेजी से इस आंख की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब हमारी जान चलता है तो इस आंख पर हमला करने वाला होता है तभी इस आंख से हरे कलर की धुआं से निकलता है और हमारी जान की जो आंखें थी ना अभी तक काले कलर की वो हरे कलर में कन्वर्ट होने लगती है। अब जब जान ये दिखता है कि सामने वाली आंखों से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है तो जान हैरान हो जाता है। जान चलता है तो तुरंत अपनी होली फ्लेम से होली पावर को रिलीज करता है और दोबारा से अपने सेंसरों में वापस आ जाता है। अब इतने में हमारे जान चलता है
तो जो आंख है ना उस पर होली फ्लेम से अटैक कर देता है, जिस वजह से ये आंख का गुब्बारा चलता है तो ब्लास्ट हो जाता है ब्राउन। अब जैसे ही आंख का गुब्बारा ब्लास्ट होता है ना, तो यहाँ पर जो वांग जोंग था ना वो ब्लड की उल्टियां करने लगता है, क्योंकि जी आंख का गुब्बारा था ना ये कहीं ना कहीं वांग जोंग से ही संबंधित था, इसलिए वांग जोंग चलता है तो ब्लड की उल्टियां करने लगता है। इतने में हमारा जान चलता है तो दोबारा से अपनी होली पावर को एक्टिवेट करता है, साथ ही साथ जो लुई किंग है ना वो भी अपनी थंडर पावर को एक्टिवेट करती है। हमारा जान और लुई किंग एक साथ सामने वाले बंदा वांग जोंग पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से वांग जोंग चलता है तो यहाँ पर मारा जाता है। अब जैसे यहाँ पर वांग जोंग मरता है ना, तो यहाँ पर वांग जोंग ने जितने भी बंदों को अपने बस में किया था ना, ये सारे के सारे बंदे चलते हैं तो बेहोश होकर नीचे गिरने लगते हैं, और यहाँ पर वांग जोंग के कंट्रोल में जितने भी बंदे थे ना वो सभी के सभी नीचे गिर जाते हैं। हमारे जान समझ जाता है कि थोड़े समय बाद इन सभी बंदों को होश आ जाएगा और फिर ये थंडर पॉन्ड के अंदर जा सकते हैं। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जो कि बुरी तरह से एग्जॉस्ट बोले जाए तो अपनी एनर्जी को खत्म कर चुका था, जान समझ जाता है कि अगर थोड़ी समय तक और फाइट चलती ना तो शायद वो इस फाइट को हार सकता था, इसलिए जान चलता है तो तुरंत नीचे आकर बैठ जाता है और ट्रेनिंग करने लगता है ताकि वो अपनी पावर को दोबारा से रिस्टोर कर सके। इतने में हमें और बंदों को बताया जाता है जो कि जान के इस तरीके के टैलेंट को देखकर हैरान हो जाते हैं, ये लड़का सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, ये तो यू की है ना उससे भी ज्यादा टैलेंट है। कुछ बंदे चलते हैं तो जान को गोलियां वगैरह देने लगते हैं ताकि जान जल्दी से जल्दी हीट रिकवर कर पाए। कुछ बंदे चलते हैं तो उसे बहुत ज्यादा ऑफर वगैरह देने लगते हैं, मतलब सामान देने लगता है कि सीनियर जान आप इसका इस्तेमाल कर अपनी पावर को रिकवर कर सकते हो, लेकिन जान चलता है तो किसी की मदद नहीं लेता और लगातार कल्टीवेट करता रहता है। अब इतने में सीन सब होता है और पर हमें यहाँ से थोड़ी दूरी का सीन बताया जाता है, मतलब कि एक और नई जगह का सीन बताया जाता है, जहाँ पर जो दो बंदे बचे हुए थे ना यू हांग और डू जोंग, उन दोनों को बताया जाता है। अब जैसे यू हांग को ये पता लगता है कि वांग जोंग मारा गया है तो यू हांग थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है कि वो बेवकूफ मुझे बता नहीं सकता था कि यहाँ पर एक होली फ्लेम वाला बंदा भी आया है। अब यहाँ पर यू हांग चलता है तो उसे जिस चीज के जरिए यहाँ पर पता चला था ना कि वांग जोंग मारा जा चुका है उसी चीज में अपनी ब्लैक एनर्जी बजाने लगता है और पलक झपकती यहाँ से गायब हो जाता है। अब इसी के साथ सीन सब होता है और हमारे जान को बताया जाता है, जान जो कि कल्टीवेट कर रहा होता है तभी उसे कुछ महसूस होता है, जान चलता है तो यहाँ पर तुरंत चिल्लाकर कहता है कि सावधान हो जाओ एनिमी आ रहे हैं। अब भाई साहब जैसे हमारे जान ये कहता है ना तो सामने यू हांग प्रकट होता है। अब जैसे यू हांग यहाँ पर प्रकट होता है ना तो पहले तो वो सभी को देखता है, ऐसा लग रहा था कि मानो वो सीटी स्कैन कर रहा हो कि यहाँ पर कौन कितना पावरफुल है। इसके बाद यू हांग की नजर किसी पर नहीं सिर्फ हमारी जान और लुई किंग पर ही टिककर रह जाती है, हालांकि उसकी नजर कीफे पे भी पड़ती है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मानो ये कीफे को कैद करना चाहता हो इसलिए उस पर ध्यान न दे रहा हो कि इससे तो मैं बाद में निपटूंगा। अब भाई साहब यहाँ पर यू हांग हमला करने वाला होता है तभी यहाँ पर एक बुड्ढी की आवाज आती है कि तुम एबल ड्रेस के बंदे यहाँ पर भला कैसे एंट्री ले सकते हो, यहाँ तुम्हारी पावर राउ जान के 4 स्टार पर है। नहीं, ऐसा लगता है कि एबल ड्रेस ने कुछ बड़ा कर दिया है तभी शायद तुम यहाँ पर एंट्री ले पाए हो। अब भाई जब जैसे यू हांग यहाँ पर एक बुड्ढी की आवाज सुनता है ना तो ये समझ जाता है कि ये शायद जो स्वर्णीय मकबरा है ना उसका रक्षक है, इसलिए यहाँ से यू हांग चलता है तो वो 9 to 11 बोले जाए तो यहाँ से भाग जाता है। अब इतने में हमें यहीं पर एक बुड्ढी को बताया जाता है जो कि अचानक प्रकट होता है। अब जैसे ये बुड्ढा प्रकट होता है ना तो की फे लुई किंग और यू की को यहाँ से ले जाता है, यहाँ चलता है तो पूछने लगता है कि एल्डर आप इन्हें कहाँ पर ले जा रहे हो, लेकिन ये बुड्ढा कुछ भी नहीं कहता, ये चलता है तो यहाँ से तीनों लड़कियों को ले जाता है। अब जैसे ये बुड्ढा यहाँ से तीनों लड़कियों को ले जाता है ना तो सीन शिफ्ट होता है और फिर इसी बुड्ढे को बताया जाता है जो कि तीनों लड़कियों को एक जगह पर ले आया था। यहाँ पर की फेज चलती है तो सामने जो बुड्ढा था ना उसे कहने लगती है कि एल्डर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें बचाने के लिए, लेकिन एल्डर आप जान को यहाँ पर क्यों नहीं लाए। अब जैसे ये बुड्ढा यहाँ पर की फेज की बात सुनता है ना तो ये की फेज को बताने लगता है कि वो लड़का मुझे बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड लगा, वो अपने दम पर भी कुछ ऐसा कर सकता है यहाँ पर प्राप्त जो कि मैं भी नहीं कर पाया था। अब जैसे यहाँ पर की फेज सामने वाले एल्डर की बात सुनती है ना तो वो हमें से रिला देती है ठीक है। अब ये तीनों की तीनों लड़कियां चलती हैं तो एक बढ़िया सी जगह देखती हैं और ट्रेनिंग करने लगती हैं। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमारे जान को बताया जाता है और बाकी के सभी लोगों को भी बताया जाता है। इस सभी के सभी बंदे ये देखते हैं कि तीनों लड़कियों को वो घुसड़ बुड्ढा ले गया है तो सभी के सभी बंदे थोड़े से तो नाराज होते हैं लेकिन ये कुछ भी नहीं कर सकते थे। यहाँ पर जान चलता है तो वो तालाब था ना उसे देखने लगता है, जान समझ जाता है कि ये तालाब ही थंडर पॉन्ड है। हमारे जान चलता है तो सभी को इसमें एंट्री लेने के लिए कह देता है। अब सभी के सभी बंदे चलते हैं तो इस तालाब के अंदर जाने लगते हैं। अब जैसे ये अंदर जाते हैं ना तो इन्हें महसूस होने लगता है कि मानो वो थंडर पॉन्ड में एंट्री ले चुके हैं। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जान चलता है
तो वो सभी के साथ इस तालाब में एंट्री तो ले लेता है, लेकिन इस तालाब में बहुत से रास्ते थे, इसलिए हमारे जान चलता है तो एक अलग रास्ते पर जाने लगता है। इतने में हमें मुगे को भी बताया जाता है, जो कि हमारे जान के मतलब कि जिस रास्ते पर हमारा जान जा रहा था ना, उसी रास्ते पर मुगे भी जाने लगता है। अब हमारा जान और मुगे आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी जो बुड्ढा था ना, जो तीन लड़कियों को यहाँ से ले गया था, वो बुड्ढा दोबारा से प्रकट होता है हमारे जान के पास और जान को कुछ बताकर यहाँ से चला जाता है। अब जान चलता है तो समझ जाता है कि जो थंडर पूल है ना, यहाँ पर शायद कुछ अलग चीजें हैं जिनकी मिस्ट्री बहुत ही ज्यादा खास है, बोले जाए तो कुछ नया ट्रेजर है जिसके बारे में अभी अल्प बुड्ढा बता कर गया है। अब हमें अभी नहीं बताया गया है कि बुड्ढा क्या बता कर गया है। अब जान चलता है तो लगातार आगे बढ़ता रहता है। इतने में हमारे फोलोअर चलते हैं तो वो जान से कहने लगती है कि जान, तुम्हें पता है ना कि तुम इन थंडर शक्तियों को ऐसे ही सीधे अपने शरीर में नहीं सोख पाओगे, तुम्हें इसके लिए कुछ अलग करना पड़ेगा। हमारे जान भी समझ जाता है। सोलोर चलते हैं तो बताने लगते हैं कि इस जगह पर कोई साइज है जो शायद इस जगह की सबसे गहराइयों में है, लेकिन शायद तुम वहाँ पर अभी नहीं जा सकते, क्योंकि अगर तुम्हें वहाँ तक जाना है ना, तो जो थंडर पावर है ना, उसे तुम्हें पूरी मतलब कि अपने शरीर पर झेलना होगा, और मुझे नहीं लगता कि तुम झेल पाओगे। इसलिए तुम्हें सबसे पहले एक ट्रेजर की आवश्यकता पड़ेगी, और उस ट्रेजर की सहायता से ही तुम जो थंडर पावर है ना, उसे झेल पाओगे। अब जैसे ही सोल लॉर्ड कहते हैं ना, तो हमारे जान भी समझ जाता है, हमारे जान चलता है तो जो थंडर पूल था ना, उसमें और भी गहराइयों में जाने लगता है। अब हमारे जान गहराइयों में जाता ही है, तभी उसे नीचे जो कीपे है ना, वो ट्रेनिंग करती हुई दिखती है। हमारे जान चलता है तो तुरंत कीपे के पास आ जाता है, जो कि ट्रेनिंग कर रही होती है। अब हमारे जान जब ये देखता है कि कीपे ट्रेनिंग कर रही है, लेकिन जब भी कीपे जो इस पानी में थंडर था ना, बिजली थी ना, वो जब भी कीपे से टकराती थी ना, जो तो कीपे थी ना, उसके माथे पर जो सील चढ़ी हुई थी वो चमकने लगती थी। जान समझ जाता है कि शायद जो थंडर है ना, बोले जाए तो जो थंडर पूल है ना, ये शायद उसी बंदे ने या फिर उसी लड़की ने बनाया है जिसके अंदर कीपे के इग्रेनिटेंस हैं, मतलब कि जो कीपे के अंदर ग्रैनी टेंस है ना, एक थंडर पूल है ना, जी उसी का ही है, उम्मीद है समझ गए होगे। अब हमारा जान चलता है तो कीपे को देखने लगता है। इतने में सोल लॉर्ड चलते हैं तो कहने लगते हैं कि जान क्या गुरु गुरु कर देख रहे हो, इसे जागने में काफी समय लगेगा, इसलिए तुम भी यहीं पर बैठो और जो थंडर पावर है ना, उसे अपने शरीर में बसाने की कोशिश करो ताकि तुम्हारा ब्रेक थ्रू हो सके। अब जैसे ही हमारा जान सोल लॉर्ड की बात सुनता है ना, तो वो भी धीरे धीरे जो थंडर है ना, उसे अपने शरीर के अंदर बसाने लगता है। लेकिन जान जब भी कोशिश करता था ना, तो ये थंडर उसके शरीर में नहीं जाती थी, बल्कि उसके शरीर को चोटिल कर देती थी। इसलिए हमारे जान चलता है तो अब इन थंडरों को रिफाइन कर अपने शरीर के अंदर बसाने लगता है, और पलक झपकती एक महीना गुजर जाता है। अब यहाँ से वीडियो 7 घंटे बाद रिकॉर्ड हो रही है। अब पलक झपकती एक महीना गुजर जाता है, और फिर हमें एक महीने बाद का सीन बताया जाता है। इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जो कि लगातार थंडर पावर को रिफाइन कर रहा होता है और साथ ही साथ अपने अंदर बसा रहा होता है। अब जैसे ही एक महीना गुजरता है ना, तो हमारे जान को बताया जाता है, जान समझ जाता है कि पिछले एक महीने से वो ट्रेनिंग कर रहा है, और अब जो उसका पावर लेवल है ना, वो डाउ जियान के 2 स्टार के हाई लेवल की ओर बढ़ रहा है। लेकिन हमारा जियान है ना, वो बहुत ही ज्यादा लालची किस्म का बंदा है, इसलिए जियान को अब एक होली फ्लेम चाहिए थी, ताकि वो उसे निगल कर जल्दी से जल्दी अपना पावर बढ़ा सके। अब भाई साहब, हमारा जियान सोच ही रहा होता है कि जल्दी से जल्दी पावर कैसे बढ़ाया जाए, तभी हमें केफी को बताया जाता है। केफी चलती है तो फाइनली अपनी आंखें खोल लेती है। अब जैसी केफी अपनी आंखें खोलती है ना, तो वो हमारे जियान की ओर देखने लगती है। अब जब हमारा जियान केफी को अपनी ओर देखता हुआ देखता है ना, तो जान समझ जाता है कि अब ये केफी नहीं है, बल्कि जिस किसी की भी केफी ग्रैनी टेंस ले रही थी ना, ये शायद अब उसके शरीर में आ चुका है। अब इतने में केफी चलती है तो हमारे जान से कहने लगती है कि मेरे साथ आओ। अब जैसे ही हमारे जान केफी की बात सुनता है ना, तो जान चलता है तो केफी के पीछे पीछे जाने लगता है। केफी चलती है तो आगे बढ़ने लगती है, और जो तालाब है ना, उसके सबसे गहरे हिस्सों में पहुंच जाती है। अब जैसे ही केफी यहां पर पहुंचती है ना, तो ये चलती है तो हमारे जान को देखने लगती है। लेकिन इतने में केफी जैसे ही हमारे जान को देखती है ना, तो वो महसूस करने लगती है कि जान है ना, वो बहुत ही ज्यादा कष्ट में है, क्योंकि ये तालाब है ना, ये लगातार हमारे जान पर दबाव पाल रहा है। इसलिए केफी चलती है तो अपने हाथों की सील बदलती है, और सील बदलती ही जान के ऊपर इस तालाब का जो दबाव पड़ रहा था ना, वो गायब हो जाता है। अब इतने में केफी चलती है तो कुछ हाथों की सील बदलती है, और यहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है। केफी चलती है तो जान को फाइनली इस पोर्टल के अंदर ले जाती है। अब जैसी जान और केफी यहाँ पर आते हैं ना, तो केफी चलती है तो कहने लगती है कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। इतने में केफी चलती है तो कहने लगती है कि रुको, पहले मुझे अपनी रियल आत्मा को बुला लेने दो। अब भाई साहब, केफी चलती है तो कुछ हाथों की सील बदलती है, और सील बदलती ही सामने यहाँ पर एक छोटा सा तालाब था, उस तालाब से एक आत्मा प्रकट हो जाती है। अब जैसी ये आत्मा प्रकट होती है ना, तो ये आत्मा एक लड़की की होती है। अब जैसी ये आत्मा प्रकट होती है ना, तो जो सोल लॉर्ड है ना, वो भी प्रकट हो जाती है, और जो लड़की है ना, उससे कहने लगते हैं कि थंडर गॉड। अब इतने में ये लड़की जब सोल लॉर्ड को दिखती है ना, तो वो भी हैरान हो जाती है कि क्या अभी भी तुम जिंदा हो। सोल लॉर्ड चलते हैं तो केफी, बोला जाए तो जो थंडर गॉड है ना, उनसे बातचीत करने लगते हैं कि हाँ मैं जिंदा हूँ,
हूँ, मेरी आत्मा का थोड़ा सा अंश ही जिंदा है। अब थोड़ी बहुत और बात करने के बाद यहाँ पर जो थंडर गॉड थी ना, वो लड़की थी ना, वो सोलोर से कहने लगती है कि मेरे पास इतना समय नहीं है, इसलिए सबसे पहले जिस काम के लिए मैंने मेरी आत्मा को यहाँ पर रखा था ना, वो काम पूरा कर दूँ। अब जैसे ही सोल लॉर्ड यहाँ पर सामने वाली लड़की बोला जाए थंडर गॉड की बात सुनते है ना, तो वो अपना हाँ में सिर ला देते हैं। अब यहाँ पर थंडर गॉड चलती है तो जो केपी है ना उसके अंदर अपनी पूरी इनग्रेडिएंट्स डालने वाली होती है, तभी केपी चलती है तो थंडर गॉड को रोक देती है कि रुको टीचर रुको रुको। केपी चलती है तो यहाँ पर कहने लगती है कि टीचर आप आपके इनग्रेडिएंट्स मुझे दे रही हो, इसके बदले आप जो आपके इनग्रेडिएंट्स है वो मेरे बदले तुम जान को नहीं दे सकते क्या। अब जैसे यहाँ पर थंडर गॉड ये सुनती है ना तो वो थोड़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो उसकी पावर लेना नहीं चाहेगा, लेकिन ये लड़की ये तो अपने सामने से ये पावर को ठुकरा रही है। थंडर गॉड चलती है तो कुछ सोचती है और फिर सोचने के बाद कहने लगती है कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम मेरी पावर को क्यों लेना नहीं चाहती। अब जैसी यहाँ पर ये भी थंडर गॉड की बात सुनती है ना तो वो कहने लगती है कि मैं शायद इतना बड़ा जुम्मा नहीं उठा सकती। ये भी चलती है तो बचपन की कहानियां बताने लगती है कि मैं बचपन में इस पावर की वजह से मेरी किसी भी फ्रेंड के साथ नहीं खेल पाती थी, यहाँ तक कि मैं कहीं पर घूमने भी नहीं जा सकती थी, और तो और मुझे क्लैन से बाहर निकलने की भी अनुमति नहीं थी। इसके अलावा जो मेरी मॉम है ना वो इसी पावर की वजह से उन्होंने अपने प्राणों को सैक्रिफाइस किया था, इसलिए मैं ऐसी चीज बिल्कुल भी लेना नहीं चाहती जो मेरी जिंदगी से मतलब कि मेरी जिंदगी को नष्ट कर दे, क्योंकि मैं एक नॉर्मल लड़की की तरह जीना चाहती हूँ, समय पर शादी करना चाहती हूँ, एक छोटा सा परिवार बनाना चाहती हूँ। अब जैसे ही यहाँ पर केपी एक कहती है ना तो थंडर गॉड चलती है तो कुछ सोचने लगती है और फिर सोचने के बाद केपी से कहने लगती है कि हाँ मैं ऐसा कर सकती हूँ, लेकिन एक बार सोच लो अगर तुमने मेरी पावर को ठुकरा दिया ना तो मैं शायद मैं भी चाहती हुई भी तुम्हें मेरी पावर ना दे पाऊं। अब जैसे ये थंडर गॉड वाली लड़की ये कहती है ना तो केपी चलती है तो इससे कहने लगती है कि हाँ, लेकिन केपी चलती है तो और भी ज्यादा सोचने लगती है और उसके मन में एक ख्याल आ जाता है कि भाई साहब मैं अगर किसी भी बहन जी अगर मैं किसी भी पावरफुल लड़के से शादी करना चाहूं तो मुझे भी तो पावरफुल होना पड़ेगा ना, वरना अगर मैं पावरफुल ना बन पाई और सामने वाले लड़के ने मुझे घासी नहीं डाला तो मेरी जिंदगी तो वैसे ही बर्बाद हो जाएगी। इसलिए अब केपी चलती है तो लालच में आ जाती है और कहने लगती है कि ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आपके इनग्रेडिएंट्स लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या मैं जो जान है उसे सरपास कर सकती हूँ क्या। अब भाई साहब जैसी केपी एक कहती है ना तो जो थंडर गॉड है ना वो समझ जाती है कि शायद जो केपी है ना वो कहीं ना कहीं दिल में जान को पसंद करती है, लेकिन इतने में केपी चलती है तो हकलाती हुई कहने लगती है कि नहीं 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 आप सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ सोच रही हूँ इस बारे में। थंडर गॉड चलती है तो वो हाँ में सिर हिला देती है कि अगर तुम्हारे पास टैलेंट है ना तो तुम शायद इसे भी सरपास कर सकती हो। अब जैसी केपी यहाँ पर थंडर गॉड की बात सुनती है ना तो वो हाँ में सिर हिला देती है कि ठीक है। अब केपी चलती है तो यहाँ पर पाल्टी मारकर बैठ जाती है और थंडर गॉड चलती है तो वो अपने इनग्रेडिएंट्स केपी के माथे के अंदर डालने लगती है, बोले जाए तो बॉडी के अंदर डालने लगती है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि ऐसा होता हुआ दिख रहा होता है, हालांकि हमारे जान को यहाँ पर समझ में नहीं आया था कि भाई आखिर क्या हुआ यहाँ पर, पहले केपी इनग्रेडिएंट्स नहीं लेना चाहती थी और बाद में क्यों लेने लगी। इतने में हमें सोल लॉर्ड को बताया जाता है, सोल लॉर्ड चलते हैं तो थंडर गॉड से कहने लगते हैं कि मेरा स्टूडेंट है। अब जैसी थंडर गॉड वाली वो लड़की ये सुनती है ना तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि जो सोल लॉर्ड है ना वो कभी भी किसी को अपना स्टूडेंट बनाते नहीं है और सामने वाले लड़के को इन्होंने स्टूडेंट बना लिया, इसका मतलब सामने वाले लड़के के पास जरूर कोई काबिलियत है। अब सोल लॉर्ड चलते हैं तो इशारों में थंडर गॉड से कहने लगते हैं कि तुम्हारे पास एक ट्रेजर है तो मेरे शिष्य को तुम वो ट्रेजर दे क्यों नहीं देती। थंडर गॉड चलती है तो पहले मना कर देती है कि क्या बकवास है, तुम्हें पता है ना कि जियो कबीले के साथ मेरी पहले से ही मतभेद है और तुम कह रहे हो कि मैं जियो कबीले की मदद करूं। लेकिन फिर सोल लॉर्ड के समझाने पर थंडर गॉड चलती है तो हाँ मैं सिर हिला देती है कि ठीक है मैं देने के लिए तैयार हूँ। अब थंडर गॉड और सोल लॉर्ड चलते हैं, बोला जाए तो थंडर लॉर्ड चलती है तो यहाँ से जाने लगती है और उसके पीछे पीछे सोल लॉर्ड जाने लगते हैं और हमारे जान को भी साथ ले जाने लगती है। हर कोई देखते हैं कितनी देर बाद रिकॉर्ड होती है। अरे यार एक प्रॉब्लम आ गई है, मैं जिस वेबसाइट से वीडियो को एडिट करता हूँ ना भाई साहब वो वेबसाइट ही नहीं चल रही। मैं 3 बजे से ट्राई कर रहा हूँ दोपहर के और रात के 11 बज गए हैं फिर भी वेबसाइट चालू नहीं हुई है, देखते हैं कब तक होती है चालू। हर कोई वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हाँ हो सकता है एक आध दिन वीडियो ना आ पाए, सॉरी मतलब कि लेट आएगी वीडियो तो आएगी कंफर्म है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर वो थंडर गॉड वाली लड़की चलती है तो सोल लॉर्ड को एक अलग ही स्थान पर ले जाती है, अलग ही पोर्टल के अंदर ले जाती है। हमारा जान भी सोल लॉर्ड के साथ एक अलग ही जगह पर आ जाता है। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर आता है ना तो उसे यहाँ पर एक क्रिस्टल रखा हुआ दिखता है जो कि थंडर जैसे चमक रहा था। अब जैसे ही ये थंडर वाली लड़की हमारी जान और सोल लॉर्ड को यहाँ पर लाती है ना तो ये हमारी जान को धमकी देकर कि याद रखना कि मैं तुम्हें ये चीज दे तो रही हूँ लेकिन
अगर उस लड़की कीपे को कुछ भी हुआ ना, तो भले ही तुम जियो कबीले के हो, भले ही तुम्हें जियो कबीले के जितने भी मेंबर सुरक्षित रखें, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हमारा जान भी समझ जाता है। अब यहाँ पर थंडर लॉर्ड बोला जाए तो जो लड़की चलती है तो यहाँ से चली जाती है। यहाँ पर सिर्फ हमारा जान और सोल लॉर्ड ही रह जाते हैं। अब हमारा जान सामने क्रिस्टल को देख ही रहा होता है और सोच ही रहा होता है कि आखिर ये है क्या। इतने में सोल लॉर्ड चलते हैं तो हमारे जान को बताने लगते हैं कि जान ये एक थंडर क्रिस्टल है, अगर तुम इसे अपने शरीर में बसा लेते हो तो जो थंडर पावर है ना, उसे तुम बहुत ही आसानी से अपने शरीर में फ्यूज कर पाओगे। अब जैसे ही हमारा जान सोल लॉर्ड की बात सुनता है ना, तो वो हैरान हो जाता है कि क्या ये क्रिस्टल इतना ज्यादा खास है। अब हमारा जान चलता है तो इस क्रिस्टल के पास पहुंच जाता है। अब हमारा जान क्रिस्टल के पास पहुंचता ही है, तभी क्रिस्टल चलता है तो एक इंसानी रूप में बदल जाता है, बोले जाए तो एक लड़की में बदल जाता है। और जो लड़की और कोई नहीं बल्कि हमारी यूनर होती है। अब जैसे ही एक क्रिस्टल यूनर में बदलता है ना, तो एक क्रिस्टल बोले जाए तो जो यूनर चलती है तो हमारे जान से कहने लगती है कि जान मैं तुम्हें कितने सालों से ढूंढ रही हूँ, तुम कहाँ चले गए थे। इतने में हमारी जान को बताया जाता है, जो कि समझ जाता है कि सामने जो यूनर है ना, वो शायद सिर्फ उसका इल्यूजन है। इसलिए अब हमारे जान चलता है तो जो यूनर है ना, उसे चारों तरफ से अपनी होली फ्लेम से घेर लेता है और उसे जलाने लगता है। इतने में हमें थंडर गॉड बोला जाए तो उस लड़की को बताया जाता है जो कि इस स्पेस से बाहर निकलने वाली होती है। तभी ये देखती है कि सामने जो लड़का है जान, वो क्रिस्टल अपने आप एक लड़की में बदल गया है। तो यहाँ पर ये थंडर गॉड बोले जाए तो ये लड़की समझ जाती है कि शायद जो जान है ना, वो भी बहुत ही ज्यादा ठरकी है और वो हमेशा लड़कियों को फंसाता रहता है। लेकिन अब ये लड़की कुछ भी नहीं कर सकती थी, इसलिए ये चलती है तो कीपे की ओर चली जाती है, ताकि कीपे है ना, वो सही तरीके से जो एग्रेनी टेंस है ना, उसे हासिल कर सके। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है, जान चलता है तो फाइनली वो इस क्रिस्टल को रिफाइन करने लगता है। मतलब कि यूनर है ना, यूनर को दोबारा से क्रिस्टल के रूप में बदल देता है और इस क्रिस्टल को रिफाइन करने लगता है। अब रिफाइन करने से पहले हमारे जान चलता है तो गोल्डन ड्रैगन ने हमारी जान को एक टेक्निक दी थी, ड्रैगन टेक्निक, जिनके 9 पड़ाव हैं टोटल, जिनमें से गोल्डन ड्रैगन ने हमारी जान को 5 पड़ाव दे दिए थे, जिनमें से हमारी जान ने पहले पड़ाव को पूरी तरह से कल्टीवेट भी कर लिया था, वहाँ पर आइस एंड फायर माउंटेन पर। अब जान चलता है तो यहाँ पर वो पहला पड़ाव को हमारी जान ने कल्टीवेट किया था ना, उसे एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से हमारी जान की जो बॉडी है ना, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। जान चलता है तो दूसरे पड़ाव को कल्टीवेट करने लगता है, और जो दूसरे पड़ाव वाली शक्तियां है ना, वो कोई शक्तियां नहीं है बल्कि हमारी जान के पास एक प्रकार का ऑरा आ जाएगा, बोले जाए तो सुगंध आ जाएगी जो कि गोल्डन ड्रैगन जैसी ही होगी। और इस सुगंध से कोई भी बंदा या फिर जानवर हमारी जान के पास आने से कतराएगा, क्योंकि वो दूर से ही समझ जाएगा कि ये ड्रैगन जनजाति से है और ड्रैगन जनजाति का खौफ द ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड के कोने कोने में है। इसलिए अब हमारा जान चलता है तो दूसरे पड़ाव को भी कल्टीवेट करने लगता है, साथ ही साथ जो क्रिस्टल है ना, उसे भी अपने शरीर के अंदर सोखने लगता है, ताकि वो आगे चलकर जो थंडर पावर है ना, उसे भी अपने शरीर के अंदर बसा सके। बोला जाए तो कीपी के जो टीचर है ना, बोले जाए तो वो लड़की थंडर गॉड, वो हमारे जान को एक टेक्निक देगी ली डेंग कैनन। और जो टेक्निक है ना, बोले जाए तो कुछ भी देगी ना, वो है ना, वो बहुत ही ज्यादा खास चीज होगी। जैसे सोल लॉर्ड के पास जो सोल टोकन था ना, जो हमारी जान को मिला था, उसके अंदर से हमारी जान को सोल लॉर्ड मिले थे, ऐसा ही कुछ देगी। इसलिए हमारे जान चलता है तो जो क्रिस्टल है ना, उसे अपने शरीर के अंदर बसाने लगता है, ताकि बॉडी है ना, वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए और वो ली डेंग कैनन को कल्टीवेट कर सके। अब हमारे जान चलता है तो लगातार यहाँ पर इस क्रिस्टल की जो भी एनर्जी वगैरह है ना, या फिर क्रिस्टल है ना, उसे सोखता रहता है। और उधर दूसरी साइड की पे चलती है तो वो भी अपनी ट्रेनिंग करती रहती है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और पर हमें थंडर पूल है ना, उसके बाहर का सीन बताया जाता है। और यहाँ पर जो एविल रेस की ओर से मेन बंदा आया हुआ था ना, सबको खत्म करने के लिए यू हांग, वो अपने ग्रुप के साथ ठहरा हुआ होता है। हालांकि उसके ग्रुप में एक ही बंदा था, डू जोंग, जो कि डाउजियान के पोर स्टार पर था, लेकिन जो यू हांग था ना, वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो भी डाउजियान के पोर स्टार पर ही था। अब ये दोनों बंदे यहाँ पर ठहरे तो थे, लेकिन इनके साथ और भी बंदे थे जो कि इनके नहीं बल्कि स्टूडेंट थे। और जो यू हांग है ना, उन्होंने सारे के सारे स्टूडेंटों को कैद कर रखा था, बोले जाए तो अपना गुलाम बनाकर रखा। अब जो यू हांग था ना, जे थंडर पूल के बाहर ठहरा हुआ था और जो किसी कारण की वजह से थंडर पूल में एंट्री नहीं ले पा रहा था। और तो और जो यू हांग था ना, उसने बहुत सारे लोगों को यहाँ पर गुलाम बनाकर रखा था ना, उनमें से कुछ लोगों को थंडर पूल के अंदर भेजता रहता था, लेकिन जब भी थंडर पूल में जो लोग जाते थे ना, तो जलकर राख हो जाते थे। और यू हांग भी जानता है कि अगर वो भी इस थंडर पूल में एंट्री लिया ना, तो शायद वो जलकर राख हो जाएगा, क्योंकि जो थंडर पूल है ना, ये एविल शक्तियों वाले लोगों को अपने अंदर नहीं आने देता था, इसलिए यू हांग अभी तक बाहर ही था। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें इसी थंडर पूल के अंदर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ठहरे हुए थे, साथ ही साथ यहाँ पर जो यू की थी ना, वो भी थी। अब यहाँ से यू की बाहर देख ही रही होती है कि जो यू हांग है ना, वो उनके निकलने का ही इंतजार कर रहा है। और जैसे ही थंडर पूल से एक भी बंदा निकलेगा ना, तो यू हांग उसे यहाँ से इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। इसलिए यू की समझ रही थी कि अगर हम यहाँ से समय रहते नहीं निकले, तो जो थंडर पूल है ना, उसकी पावर खत्म हो
हो जाएगी और फिर तो यू हान यहाँ पर एंट्री ले लेगा और हमको सबको मार डालेगा। और तो और अगर अब वो बाहर निकल गए, अभी वो बाहर निकल गए तो शायद जो यू हान है ना वो उन्हें अभी मार डाले। अब यहाँ पर यू की सभी लोगों को लेकर परेशान हो रही होती है, तभी यहाँ पर जो मुगे था ना वो भी प्रकट हो जाता है। अब जैसे ही मुगे यहाँ पर प्रकट होता है ना, तो पहले तो वो यू की को अपनी दुख भरी दास्ता सुनाता है कि मैंने बहुत कोशिश की वहाँ पर एंट्री लेने की, बोला जाए तो थंडर पूल में सबसे गहरे हिस्सों में एंट्री लेने की, लेकिन मैं वहाँ तक नहीं पहुँच सका। हालांकि जान है ना वो अचानक वहाँ से गायब हो गया था, पता नहीं वो कहाँ पर चला गया था, लेकिन जितना मैं जानता हूँ जान ने शायद वहाँ पर एंट्री ले लिया है। अब मुगे जैसे यहाँ पर यू की से कहता है ना, तो यू की का वो एकदम सीरियस फेस देख लेता है। इतने में मुगे चलता है तो वो भी ऊपर देखने लगता है और वो समझ जाता है कि जो एवल रेस है ना उसने शायद उन्हें घेर लिया है। हालांकि एवल रेस के दो बंदे हैं, लेकिन वो बहुत सारे स्टूडेंटों को अपने कब्जे में ले हुए हैं और वो स्टूडेंट एक प्रकार से पपेट के समान है, इसलिए वो उनसे नहीं जीत सकते। और तो और जो यू हान है ना उसने स्टूडेंटों के एक पावरफुल बंदा जिसका नाम हुआ बे था उसे भी कंट्रोल कर रखा है, और हुआ बे से लड़ना इतना आसान नहीं है क्योंकि जैसे यू हान ने उसे कंट्रोल किया था ना तो उसकी पावर बढ़ गई थी हुआ बे की, जिस वजह से वो डाउजियान के 3 स्टार पर पहुंच गया। इसलिए इस थंडर पूल में ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो हुआ बे से लड़ सके। अब भाई साहब यहाँ पर जो सभी की सभी लोग परेशान हो रहे होते हैं और ऊपर जो यू हान है ना वो लगातार स्टूडेंटों को यहाँ पर भेज रहा होता है ताकि स्टूडेंट जल जल कर राख होते चले और जो थंडर पूल है ना उसकी एनर्जी जल्दी से जल्दी खत्म हो सके और वो इस थंडर पूल में एंट्री लेकर सभी को खत्म कर सके। यू हान दिल के हटने का, बोला जाए तो थंडर पूल में एनर्जी खत्म होने का इंतजार कर ही रहा होता है तभी ये एपिसोड ही खत्म हो जाता है। और हाँ टारगेट को पूरा करवा देना, 1000 लाइक और 300 कमेंट। और हाँ एक और बात, ये वीडियो 3 बार में रिकॉर्ड हो पाई है, यार को नहीं एडिट कर डालता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिक केयर।